नेपाल को मोहरा बनाकर चीन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने एक झटके में पूरी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी जब कुशीनगर से नेपाल की तरफ उड़े, तभी चीन परेशान हो रहा था। मोदी भगवान बुद्ध की जन्मास्थली लुम्बिनी पहुंचे, लेकिन कुछ घंटे के अंदर ही चीन को बहुत बड़ा सदमा देकर वापस लौटे और रात का भोजन लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ किया। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कुछ घंटों के लिए अपने पड़ोसी देश नेपाल गए, लेकिन एक तीर से कई निशाने लगाकर वापस लौट आए। इसके साथ ही ये भी बता दिया कि नेपाल की तरफ चीन ने देखा तो भारत छोड़ेगा नहीं। गोरखपुर से सटे नेपाल के इलाके में चीन ने भैरवा एयरपोर्ट तैयार किया है। अगर कभी भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो चीन इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। जब इस एयरपोर्ट को चीन बना रहा था तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब मोदी की सरकार है। चीन नेपाल पर काबू पाकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मोदी ने जो किया उसके बाद से भारतीय सेना का भी सीना गर्व से ऊंचा हो गया है। सोमवार को पीएम मोदी नेपाल के दौरे पर गए, लेकिन चीन के बनाए एयरपोर्ट पर उतरने से मना कर दिया। नेपाल ने मोदी के लिए लुम्बिनी में स्पेशल हेलीपैड बनवाया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उतरे। लुम्बिनी से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर भैरवा में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा चीन के बनाए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी चीन के बनाए एयरपोर्ट पर नहीं उतरे। चीन ने इस एयरपोर्ट को करीब 10 साल में बनाकर तैयार किया है। कहा जाता है कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामी है। मनमोहन सिंह देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक भी बार नेपाल की यात्रा नहीं की। इसकी वजह से ये हुआ कि नेपाल चीन की शरण में जाने लगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चीन को नेपाल ने मंजूरी दे दी। लेकिन जब से पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से बहुत कुछ बदला है। सिर्फ 8 सालों में पीएम मोदी 5 बार नेपाल का दौरा कर चुके हैं। चीन के भैरवा एयरपोर्ट को टक्कर देने के लिए गोरखपुर में भारत ने एयरबेस तैयार किया है। योगी आदित्यनाथ की देखरेख में इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। चीन के भैरवा एयरपोर्ट से बहुत ताकतवर है ये। भैरवा एयरपोर्ट के उद्घाटन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को नेपाल ने न्योता भेजा था, लेकिन मोदी ने साफ मना कर दिया कि नेपाल तो आएंगे लेकिन चीन के एयरपोर्ट पर कदम नहीं रखेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के सच्चे दोस्त माने जाते हैं। आपको याद होगा, पिछले महीने अचानक से शेर बहादुर दिल्ली आ गए थे, इसके बाद काशी भी गए थे। इस वक्त नेपाल को हिंदू देश बनाने की भी मांग हो रही है। नेपाल को पता है कि इस मामले में सिर्फ भारत ही उसकी मदद कर सकता है। नेपाल चीन के चंगुल से निकल रहा है, लेकिन चीन बहुत गुस्से में है, क्योंकि नेपाल अगर भारत के साथ आता है तो चीन की पूरी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। चीन की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है, इसे आप ऐसे समझिए कि मोदी चीन के भैरवा एयरपोर्ट पर नहीं उतरे, जिसके बाद अलग से हेलीपैड नेपाल को पीएम मोदी को उतरने के लिए बनाना पड़ा। इस वक्त नेपाल में भारत का फीवर तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल में बिजली परियोजना, संचार, डिजिटल समेत कई क्षेत्रों में भारत निवेश कर रहा है। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने इसकी समीक्षा भी की। आने वाले वक्त में नेपाल के रिश्ते भारत से और अच्छे होने वाले हैं। नेपाल भी अब ये समझ चुका है कि चीन की गुलामी छोड़कर अब भारत को ही अपना बड़ा भाई मानना होगा, क्योंकि चीन के साथ जो देश जाता है उसका क्या हाल होता है, पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत देख लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।